काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर कोई दलित पहुंच जाए पूजा करने के लिए तो उसको मार के जूते से मार करके उसको बाहर करो और रिजर्वेशन को समाप्त करना चाहिए और रिजर्वेशन को बदलाव करना चाहिए, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। हम और नीतीश एक हो गए हैं और कोई भी भ्रम में नहीं रहे, एक रहिए, एकजुट रहिए और कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता है जब तक हम लोग एक हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद भी महागठबंधन की महारैली में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं। देखिए पूर्णिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूर्णिया में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने 10 मिनट का जोरदार भाषण दिया है। उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। ये पूछा है कि हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जा रहा है, आखिर जो अकलियत है, जो मुसलमान है, जिनका भी योगदान रहा है आज़ादी की लड़ाई में, वो आखिर कहाँ जाएं? हिंदू हिंदू बोल रहे हैं, हिंदू तो सभी हैं ही, लेकिन मुसलमान कहाँ जाएं? क्या उनको भगा दें? और बंच ऑफ थॉट की बात की है कि जो मंदिर में पूजा करने जाए, काशी विश्वनाथ में जो दलित पूजा करने जाए, उन्हें मारकर भगा दो। क्या देश में ऐसी व्यवस्था लागू होगी? लालू प्रसाद ने पूछा है, विरोधियों को झकझोर दिया है। 10 मिनट का उनका यह जोरदार भाषण आपने सुना है क्या? महारैली में जो उन्होंने हुंकार भरी है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सभी देख रहे थे। ऑनलाइन माध्यम से लालू प्रसाद जुड़े थे, दिल्ली में फिलहाल वो मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। सभी बिहार के कोने कोने से आए हुए सीमांचल इलाके के जुटे हुए सभी नेता कार्यकर्तागण, भाइयों और बहनों, मुझे यह जान करके बहुत खुशी हुई और ताकत मिला इलाज के बाद कि पूर्णिया के रंग भूमि मैदान में लाखों लाख की संख्या में आप एकजुट हुए हैं और यह एकजुटता इस बात को प्रमाणित करेगा कि भविष्य में जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, इसमें यह गठबंधन पक्का गठबंधन बांध करके तैयार है भाजपा को सफाया करने के लिए, आरएसएस को सफाया करने के लिए। आप सभी को याद होगा कि 14 में ही हमने ये घोषणा किया था कि अगले चुनाव में भारत रहेगा या भारत टूटेगा, और 8 वर्ष के बाद आप देख ही रहे होंगे कि क्या स्थिति हुई है। आज देश टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर पहुंच ही चुका है और आरएसएस और भाजपा, भाजपा कोई पार्टी नहीं, यह एक मुखौटा है आरएसएस का, और भाजपा आरएसएस घोर आरक्षण विरोधी संगठन और ऑर्गेनाइजेशन है। जो आरएसएस है वही भाजपा है, इसको मुखौटा के रूप में हम लोग मान देखते हैं। देश में गरीबी, गुर्बत, लाचारी, बेबसी कगार पर पहुंचा हुआ है। तानाशाही बिल्कुल कम से कम पक्का ही हो चुका है। जो नरेंद्र मोदी आरएसएस जो चाह रहा है वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। किसी का सम्मान नहीं, सभी लोगों का अपमान, लोकतंत्र की हत्या, और संविधान की उपेक्षा, और हम सब एक हो करके इसका मुकाबला करने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, हम एक रहेंगे, हम एकजुट रहेंगे तो हमारा भारत रहेगा, भारत को कोई तोड़ नहीं सकता है। अगर हम ढीले पड़ गए, अगर हम कमजोर पड़ गए तो बिल्कुल भारत के ऊपर कई एक तरह के कीटाणु सवार होंगे और आएंगे। इसमें आप लोगों को मालूम होगा कि
आपको याद होगा कि पूर्णिया के रणभूमि मैदान से ये जो शंखनाद होने के लिए आप हम इकट्ठे हुए हैं, बिहार में ही आरएसएस के रथ को हमने रोका था बिहारवासियों के सहारे। बिहार जब जब करवट बदलता है तब तक देश के ऊपर इसका असर होता है। बिहार के करवट पर ही देश में हवा बदलता है, लोग अनुसरण करते हैं। इसमें भाजपा ये जो आरएसएस है, गुरु गोलवरकर की पार्टी है। गुरु गोलवरकर ने बंच ऑफ थॉट उसमें लिखा है, दो खतरनाक बात लिखा है जो इनके जहन में है और उनके खून में है। उन्होंने लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर कोई दलित पहुंच जाए पूजा करने के लिए तो उसको मार के, जूते से मार करके उसको बाहर करो और रिजर्वेशन को समाप्त करना चाहिए और रिजर्वेशन को बदलाव करना चाहिए, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। ये है असली रूप आरएसएस का और ये भाजपा जिसे कहते हैं हम लोग। आप सबको याद होगा हम और नीतीश एक हो गए हैं और कोई भी भ्रम में नहीं रहे। गठबंधन विचारधारा का है और हम हमेशा साथ रहने का, देश और लोकतंत्र बचेगा तभी हम लोग राजनीति करेंगे। 2024 में से 25 के रिकॉर्ड तोड़ देना है, रिकॉर्ड तोड़ देना है जो चुनाव आने वाला है। और बिल्कुल 2015 में जैसा रिकॉर्ड बनाए थे उससे भी मजबूत बनाना है 2024-25 में। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं पूर्णिया के रणभूमि मैदान में उपस्थित नहीं हो सका, क्योंकि इलाज करा के मैं आया हूँ किडनी ट्रांसप्लांट करा के। और यह बोलने का और आपके बीच में ये जो ताकत मैं महसूस कर रहा हूँ, यह हमारी बेटी रोहिणी आचार्य ने इतना बड़ा कुर्बानी दिया है, तो कुर्बानी उसने डोनेट किया, अपना जीवन डोनेट किया है। हम उस बेटी को इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उसके कर्जा को लौटा नहीं सकते हैं। आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। एक रहिए, एकजुट रहिए और कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता है जब तक हम लोग एक हैं। हमको देश बचाना है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, माइनॉरिटीज की रक्षा करना है। माइनॉरिटीज, हम सब लोग बोलते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, अरे हिंदू जो है हम लोग हिंदू हैं, लेकिन माइनॉरिटी का क्या अपराध है कि तुम अलग करना चाहते हो, अलग करने का कोशिश कर रहे हो, टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते। कभी भी हम सफल होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। और अब समय आ गया है नरेंद्र मोदी की सरकार को जाने का, विदाई होने का, ये पक्का है। ये बिहार का ये आह्वान है, ये महागठबंधन का ऐलान है और ये संकल्प लेकर के आप सभी वहाँ से जाइए, पूर्णिया से निकलिए और हम पूर्णिया के इलाका, जो सीमांचल का जो इलाका है, हमारा मोस्ट सेकुलर इलाका है, इसको किसी भी कीमत पर भिन्न भिन्न रूप में लोग आएगा, आपको बहकाएगा और उसको
पहचानना है और एकजुट होना है और सेकुलर ताकतों को एकजुट होकर के पूरे देश की रक्षा में लग जाना है और आगे 15 के चुनाव में पूरा 24 के चुनाव में पूरा मजबूती के साथ रिजल्ट देना है और बिहार देश को उस पर असर हो। माले के लेफ्ट के लोगों को अभी हमारे हम मुझसे मिले थे दिल्ली में, ये येचुरी साहब आके मिले थे, येचुरी जी मिले थे और उनसे भी हमारी काफ़ी विस्तार से बात हुई। मैं बात करते रहता हूँ, लोग मिलते रहते हैं और आपको याद करा देना मैं चाहता हूँ कि ये जो राशन ये 5 किलो तो 10 किलो हम राशन दे रहे हैं, राशन दे के हम वोट मांग रहे हैं। याद होगा 1910 में ही सुप्रीम कोर्ट ने मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है राशन देने का, वितरण करने का, कि राशन जब सड़ रहा है तो राशन सड़ रहा था गरीबों को बांटो, ये मजबूती से उसका ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का। और ये बोलते हैं कि हम राशन दे रहे हैं, लगता कि पूरा ये हल चला करके ला रहे हैं, पॉकेट से अपने ला रहे हैं, अपने घर से ला रहे हैं और वोट मांगते हैं। तो हमको पूरा मजबूती के साथ देश को बचाना है। सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रणाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, सलाम करता हूँ और सभी नेताओं को पूरे एक साथ विश्वास करके रहने की जरूरत है। तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसादम ने क्या कुछ कहा है हमने आपको सुनवाया है, इस पूरे वीडियो में आपने देखा है कैसे लालू प्रसादम लंबे समय के बाद जब इस महारैली में जुटे, जहां पर लाखों की संख्या में लोग जो हैं वो उमड़े हैं पूर्णिया के रणभूमि मैदान में, महागठबंधन की महारैली हो रही है, तमाम वीडियो से हम आपको अवगत कराएंगे। आगे तेजस्वी यादव ने क्या कहा, नीतीश कुमार ने क्या कहा, उन वीडियो से भी आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।